आपके जीवन में ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप किसी बात को सोचते हुए घंटों बैठ गए और पुरानी यादों ने आपका दिल दुखा दिया हो, या कई बार भविष्य की चिंता में इस कदर बैठ गए कि पता ही नहीं चला कितने दिन और कितने हफ्ते बर्बाद हो गए। और वहीं जब ध्यान अपने वर्तमान पर लगाया तो समय खुशी के साथ बीतता चला गया। यही कारण है कि जब हम वर्तमान में होते हैं तो चीज़ें सही लगती हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, और वहीं जब हम पास्ट और फ्यूचर में खो जाते हैं तो जीवन बिगड़ा हुआ लगता है। लेकिन वर्तमान में रहना इतना मुश्किल क्यों है? जैसे ही वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है, या तो पास्ट की याद दिला देती है या फ्यूचर की चिंता करने लगते हैं। किस तरह अपने आप को इस प्रकार ढाला जाए कि हम वर्तमान में 100% जी सकें, आज हम इसी किताब की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, जिसे लिखा है इकार्ट टॉल ने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ीरो से शुरुआत हुआ हुआ ये चैनल आज 5,000 सब्सक्राइबर्स पूरा होने की कगार पर है। आप सभी के प्यार की वजह से ही यह चैनल इतना ग्रो हो पाया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ यूनिवर्स ऑफ बुक्स की फैमिली धीरे धीरे और बड़ी होती रहे और हम सब मिलकर ऐसे ही किताबों से शानदार अनुभव लेते रहें। शुरू करते हैं। बुक का पहला चैप्टर है सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारा ब्रेन सोच रहा है वो बिल्कुल सही है? कई बार ब्रेन कुछ ऐसी बातें सोचने लगता है जो पास्ट में होती हैं। कई बार ब्रेन ऐसी चिंताएं करने लगता है जो फ्यूचर से संबंधित होती है। ब्रेन के द्वारा दी गई चिंताओं का खामियाजा हमारी बॉडी को भुगतना पड़ता है। जब ब्रेन परेशान होता है तो वो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है कि हमारी बॉडी उससे तनावग्रस्त हो जाती है। जब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो ये एक दिन बहुत ही आक्रामक रूप ले लेता है। पता ही नहीं चलता शरीर में इतने सारे रोग कहाँ से आ गए, जबकि शुरुआत तो सिर्फ एक विचार से ही हुई थी। यहीं पर हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने शरीर को अपने ब्रेन से अलग रखें। ब्रेन जो भी कर रहा है, सबसे पहले तो उस पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। ब्रेन और मन में कुछ इस तरह का संतुलन होना चाहिए कि जब ब्रेन सपोर्ट ना कर रहा हो तो मन उसको समझा बुझा कर सही रास्ते पर वापस ले आए और प्रेजेंट में जीने दे। जब हम इस तरह के अंतर को समझते हैं तभी हम अपने लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं। जब हमें लगता है कि ब्रेन का तो काम ही सोचना है परंतु उसको कंट्रोल करने का काम हमारे मन का है, हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, अपने ध्यान को कहीं और लगा सकते हैं, कुछ ऐसे योगा प्राणायाम कर सकते हैं जो कंसंट्रेशन में हेल्प करते हैं, और फिर ब्रेन के विचारों को पास्ट और फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट में ला सकते हैं। इस अंतर को समझने के बाद ही हमें ये महसूस होता है कि हमारे ब्रेन पर हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 2, ऑब्जर्व योर माइंड। कई बार ऐसा होता है हम कुछ भी सोचते हैं, ये ध्यान नहीं देते कि क्या सोच रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जब हमें किसी व्यक्ति पर गुस्सा आता है हम यही देखते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे होते कि उस गुस्से का इम्पैक्ट हमारे शरीर पर हो रहा है, हमारे मन की अवस्था पर हो रहा है। दूसरों की वजह से गुस्सा करने से शरीर हमारा ख़राब हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ रहे हैं, बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ थॉट्स डोमिनेंट हो रही हैं, मतलब कुछ थॉट्स आपके ब्रेन में लगातार चलती जा रही हैं, उससे आपको परेशानी हो रही है, तो उन थॉट्स को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके अपने ब्रेन को समझाने का प्रयास करें कि ये सब तो चलता ही रहता है, इसकी वजह से मैं अपने आप को स्ट्रेस देकर बीमारियां मोल नहीं लेना चाहती। जब भी ऐसा लगे कि कुछ बैड थॉट्स हमारे माइंड में चलते ही जा रही हैं तो खुद को यह समझाना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी अनंत काल तक नहीं रहने वाला, हम भी नहीं। जब हमें यहाँ से जाना ही है तो क्यों ना अपने आप को पीसफुल रखा जाए। कोई भी ऐसी बात जो हमारे शरीर को प्रभावित कर दे, हमारे मन को प्रभावित कर दे और हमारे लिए मुसीबत पैदा कर दे, उसको लंबे समय तक खींचने का क्या फ़ायदा। ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से हम परेशान हों उनको फुल स्टॉप लगा दें, यानी कि उनके बारे में आगे सोचना ही बंद कर दें। और यह तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे।
चैप्टर नंबर 3, लिव इन प्रेजेंट। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, सभी कोर्सेज में ए ग्रेड उसने प्राप्त किया। आज वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक इंटरव्यू में जा रहा है। भले ही कॉन्फिडेंस कितना है, परंतु कुछ परिस्थितियों की वजह से वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है। घर वापस आने पर वो रोना रोता रहता है कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। लंबे समय तक वो इसी स्ट्रेस में रहता है कि मेरा पहला इंटरव्यू फेल हो गया, अब मेरे बस की कुछ नहीं है। जब भी उसको आगे इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, वो हमेशा इंटरव्यू देने जाता है और अपनी पास्ट की बातों को सोचता रहता है। मेरा पहला इंटरव्यू फेल हो गया था, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मैं इस इंटरव्यू में भी पास हो पाऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या वो व्यक्ति कभी सफल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। पास्ट की बातों को सोचते रहने पर और फ्यूचर की चिंता करने पर हम और कुछ नहीं बल्कि अपना प्रेजेंट खराब कर लेती हैं। पास्ट में जो हो गया सो हो गया। अपने प्रेजेंट को तो बेहतर बनाया जा सकता है ताकि बेहतर फ्यूचर की नींव रखी जा सके। अगर एक स्टूडेंट फेल हो गया हो और वह पूरा साल परेशान होता रहे, तो क्या उम्मीद है कि फ्यूचर में वो पास हो पाएगा? जब उस फेलियर को ठीक नहीं किया जा सकता, जो हो गया सो हो गया, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ प्रेजेंट में सुधार करके फ्यूचर को सुधारा जा सकता है। तो हम क्यों पास्ट की बातों पर रोते रहते हैं? पास्ट और फ्यूचर की खाई में ऐसे गिर जाते हैं कि प्रेजेंट पर तो फोकस ही नहीं कर पाते कि ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। यदि प्रेजेंट पर फोकस कर लेंगे तो पास्ट को भूल जाएंगे और फ्यूचर को सुधार लेंगे। जो भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहें। यदि आप प्रेजेंट मोमेंट्स के लिए थैंक यू करेंगे तो आपका दिल खुशी से भर जाएगा और ये खुशी आपको पास्ट के बारे में सोचने नहीं देगी और फ्यूचर की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो आप सही काम करेंगे और सही फैसले लेंगे। चैप्टर 4, एक्सेप्ट द ट्रेजेडीज। आपने कुछ लोगों को सोचा होगा जिनकी ज़िंदगी में छोटी सी मुसीबत आती है और वो परेशान होने लगते हैं, रोने लगते हैं और दूसरों को भी अपनी परेशानी बहुत ज़्यादा बनाकर बताने लगते हैं। बार बार बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। तब हम ये क्यों नहीं सोच पाते कि हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा भी होता है? तब हम क्यों नहीं कहते कि हमारे साथ इतना अच्छा क्यों हुआ, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं? हमें लगता है हमारे साथ सिर्फ अच्छा होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां तो सिखाने के लिए आती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। बुरी परिस्थितियां हमें समझदार और स्ट्रांग बनाती हैं, अच्छी परिस्थितियां हमें खुशी देती है और हम बहुत इंजॉय करते हैं। सफलता हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। लेकिन मुसीबत आने पर हार जाना और दूसरों को अपनी परेशानियों के बारे में ही बताते रहना, यह आपको नेगेटिविटी से भर देता है। ऐसा इस जीवन में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने परेशानियों का सामना ना किया हो। अगर हम अपने माइंडसेट को ठीक कर लें और माइंड को बता दें परेशानियां तो आएंगी, उनसे निकलने की युक्ति सोचनी चाहिए, ना कि उन्होंने हमें कितना परेशान कर दिया, इसी पर टिके रहना चाहिए। अपने परेशानियों को सॉल्व करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए दूसरों से कैसे राय ली जा सकती है या कैसे मदद ली जा सकती है, ये सोचना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों को अपनी परेशानियां बता बता कर परेशान कर दिया जाए। चैप्टर 5, बी इन अलर्ट स्टेट। हमें अपने आप को तैयार रखना होगा हर सिचुएशन के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, चाहे वो कोई सबक हो या कोई क्रिएटिविटी, कोई ऐसा विचार जो हमारे जीवन को पलट कर रख दे या कोई ऐसी घटना जो हमें अवसाद में डाल दे। हमें अपने ब्रेन को तैयार रखना होगा कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, उसको फेस करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जीवन पल पल बदलता है। प्रॉब्लम्स के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा और सरप्राइजेस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। जब हम अपने माइंडसेट को ऐसा बना लेते हैं कि सिचुएशन कोई भी आ जाए, मेरा मनोबल गिर नहीं सकता, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, बुरी होगी तो उसको हिम्मत के साथ सामना करके देखा जाएगा और अच्छी होगी तो उसको खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। जब ऐसा माइंडसेट बन जाता है तो आपको कोई भी सिचुएशन हिला नहीं सकती। चैप्टर नंबर 6, ईगो इज डिस्ट्रक्टिव। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना, मतलब जब छोटी सी खुशी आती है तो कुछ लोग उछलने लग जाते हैं। यानी कि कई बार कुछ लोगों को जब थोड़ी सी खुशी मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा ईगो से भर जाते हैं
उन्हें लगता है उनसे बेहतर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। परंतु वहीं जब उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब वो पूरी दुनिया के सामने गाकर ये बताते हैं कि कैसे उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो बहुत दुखी हैं। ईगो वाले व्यक्ति हमेशा नेगेटिव वाइब्स देते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा है। हर व्यक्ति को हर पल कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। यदि आप शांत स्वभाव से जो भी सरप्राइजेज आपको मिले हैं उसका सम्मान करते हैं, तो वो आपको बेहतरीन व्यक्ति बनाता है। परंतु वहीं जब छोटी सी बात से आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लग जाए और आपको लगे आपके सामने कोई नहीं टिक सकता, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, आपसे बेहतर तो कोई नहीं हो सकता, जब ऐसा फील होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए पतन होना शुरू हो गया है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। भले ही लोग आपके सामने आपसे बात कर लेंगे, परंतु पीठ पीछे यही कहेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो है। ईगोइस्टिक व्यक्ति धीरे धीरे समय के साथ नीचे गिरने लगता है, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। इसलिए ईगो ना आने दें। चाहे कितनी भी सक्सेस मिल जाए, आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जब सिचुएशन बहुत अच्छी होगी आप तब भी अच्छी स्थिति में रहेंगे, और अगर सिचुएशन ख़राब आती है तो भी आपका मनोबल सही रहेगा, लोग भी आपकी मदद करने को तैयार होंगे, क्योंकि खुशी के समय में आपने अपनी खुशियाँ लोगों से बांटी थी, आपने किसी को अपनी ईगो नहीं दिखाई। इसी तरह जब दुख का समय आएगा तो लोग यह समझेंगे आप कितने बेहतरीन व्यक्ति हैं, आप तो मदद के हकदार हैं। चैप्टर नंबर 7, फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही एनर्जी से भरपूर होते हैं, कितना मर्जी उछल कूद ले, घूम ले, काम कर ले, बोर नहीं होते, और हम उनको देखकर आश्चर्य करते हैं ये कितने एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। हम थोड़ा सा काम करके ही बोर हो जाते हैं और ये उस काम को लंबे समय तक करते रहते हैं फिर भी परेशान नहीं होते। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है हम अपनी इच्छा का कोई काम करते हैं, उस काम से हमें खुशी मिलती है और हम उस काम को लंबे समय तक करते चले जाते हैं। जब हमें होश आता है तो हमें लगता है हम अपने काम में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि हमें समय का पता ही नहीं चला। बाकी लोगों में और हम में कोई अंतर नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है जिन कामों में हमें इंटरेस्ट होता है हमें उनको करने में समय का पता नहीं लगता, और जिन कामों में हमें बोरियत महसूस होती है उनको करने में एक एक मिनट भी एक घंटे जैसा लगता है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। एनर्जी तो हमारे अंदर ही है, उसको यूज़ कैसे करना है और उसको बोरिंग कामों के लिए भी कैसे चैनलाइज करना है वो हमारे हाथ में है। आप कोई बोरिंग काम करते हुए 25 से 30 मिनट के बाद अपनी मर्जी का कोई रिफ्रेशिंग सॉन्ग सुन सकते हैं, कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक पी सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी वापस लौट आएगी। बार बार जब 25 से 30 मिनट के ब्रेक के बाद 5 मिनट के लिए कुछ अच्छा काम करने को मिलेगा तो आपको ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इन रिफ्रेशिंग 5 मिनट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ब्रेन इस तरह के कामों को करने के लिए भी ट्रेंड हो चुका होगा। साथ ही साथ जो भी आपके जीवन में प्रेजेंट में अच्छा घटित हो रहा है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहें। भले ही आप छोटा सा काम कर रहे हैं और उसको पूरा कर पा रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू कहें। छोटी छोटी बातों पर ग्रैटिट्यूड देने से आपको खुद ही बेहतर महसूस होता है, एनर्जी अपने आप फ्लो होने लगती है और आपको ऐसा लगने लगता है कि आप दूसरों से अलग नहीं हैं, आप भी लंबे समय तक ऐसे कामों को कर सकते हैं। जब ऐसा फील होगा तो खुशी अपने आप हमारे चेहरे और हमारे मन में नज़र आएगी। जब अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने लगेंगे तो मन अपने आप अपने ही लिए सेलिब्रेट करने लग जाएगा। इसलिए छोटे छोटे कामों को बड़ी बड़ी स्माइल्स के साथ करना सीखें। नेक्स्ट चैप्टर है एनलाइटेंड रिलेशनशिप। रिलेशन तो हम सभी व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन उन रिलेशनशिप्स को कितना बैलेंस्ड रखना है ये हमारे हाथ में होता है। कई बार हम अपने हाथ से इन रिलेशनशिप्स के डोर को फिसलने देते हैं और फिर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। जब हम किसी भी रिश्ते में ब्लाइंड लव करते हैं या उस रिश्ते की छोटी छोटी बातों से हमें दुख और खुशी महसूस होने लगती है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये रिश्तों का नेगेटिव एस्पेक्ट है। रिश्ते खूबसूरत होते हैं, उनमें रहकर हमें खुशी मिलनी चाहिए, उनमें रहकर हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उनमें रहकर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
यदि रिलेशंस हमको दुख देते हैं, चोट पहुंचाते हैं या दूर जाने पर हमारे लिए जीवित रहना ही मुश्किल हो जाता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। रिश्तों को एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। रिश्ते हमारा सपोर्ट करती हैं, भले ही कितनी दूर बैठे हुए हों माता पिता और बच्चे, फिर भी उसी प्रेम से एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगते हैं। कुछ लोगों का मेन एम मोक्ष पाना होता है। मोक्ष पाने के लिए तो डिटैच होना पड़ता है, फिर भी सांसारिक वातावरण में हम कम्प्लीटली डिटैच तो नहीं हो सकते, लेकिन अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि रिश्तों को अलग नज़र से देखना शुरू करें, रिश्तों से परेशान ना हो, रिश्तों से नेगेटिविटी ना बढ़ाए, बल्कि रिश्तों से कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और रिश्तों से प्यार बढ़ना चाहिए। जैसा कि कई बार होता है, दूसरों को बंधन में ना बांधें, दूसरों को हर वक्त कॉल करते रहना और ये पूछते रहना कहाँ हो, क्यों नहीं आए, और उनको यह एहसास कराना कि वो आपके दुखों का कारण है, वो आपको परेशान करते हैं। इस प्रकार रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। ख्याल रखने के बहुत से तरीके होते हैं। फ़ोन पर सिंपल भी पूछा जा सकता है, आप कहाँ हैं, कब तक आएंगे, क्योंकि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या आपके बारे में बस जानना चाहता था। जब हम इस प्रकार से रिश्तों को फ्री रखते हैं तो रिश्ते सांस ले पाते हैं। रिश्तों को मुट्ठी में बंद करने से रिश्तों का दम घुटने लगता है। इसलिए अब ये आपके हाथ में है कि आप प्रेजेंट में जीकर अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं और पास्ट में होने वाली सभी बातों को भुलाकर अपने रिश्ते की एक अच्छी और प्यारी नींव रख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। आपने नोट किया होगा कि कई बार हमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, हमें लगता है अगर हमें ये चीज़ मिल गई तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हमें वो चीज़ कुछ समय बाद मिल जाती है, कुछ समय की खुशी भी मिल जाती है, परंतु थोड़े दिन बाद खुशी फिर से खो जाती है। तो आप ही बताइए, क्या आपकी खुशी किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है? आपके पास कोई चीज़ हो या ना हो, भले ही आपको लगता हो वो चीज़ आपको खुशी दे सकती है, परंतु ऐसा नहीं होता। कुछ समय के बाद उस चीज़ से खुशी मिलनी बंद हो जाती है, फिर आपको खुशी का एक नया बहाना चाहिए होता है। जब हम मटेरियलिस्टिक होते हैं, यानी संसार की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, तो हम कभी खुश नहीं रह पाते। खुशी तो हमारे मन से उत्पन्न होती है। मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन ले लीजिए या गाड़ी का लेटेस्ट मॉडल, भले ही कितनी चीज़ें आप इकट्ठी कर लें, अगर चीज़ों की वजह से आप खुश हैं तो कुछ समय बाद उन चीज़ों की वजह से खुशी नहीं रहेगी। आपको खुश होने के लिए नई वजह चाहिए होगी। जिस दिन आप किसी चीज़ को ना मिलने पर भी खुश हों, किसी चीज़ के खोने पर भी मुस्कुरा सकें, समझ लीजिए आपने शांति को कैसे बनाए रखना है यह सीख लिया है। चीज़ों में नहीं, अपने ब्रेन की खुशी में इन्वेस्टमेंट करें। मेडिटेट करें, योगा करें, ताकि आपका ब्रेन हर प्रकार की परिस्थिति में शांत रह सके, चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले। लास्ट चैप्टर, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। खुशियों के सारे रूल्स को सीख लेते हैं, उसको जीवन में अप्लाई करते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, सब कुछ पता होते हुए भी कोई चीज़ खोने पर मन स्ट्रेसफुल हो जाता है, असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं, जीवन से विश्वास उठ जाता है, लगता है कोई भी शक्ति हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। परंतु यहीं पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सरेंडर करना, यानी कि ग्रेटेस्ट पावर, यानी कि यूनिवर्सल गॉड, या आप जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनके हाथों में सब कुछ सौंप देना। मनुष्य के हाथों में जितनी चीज़ें हैं उतनी वो कर सकता है। कुछ चीज़ें सुप्रीम पावर के हाथ में होती हैं और वो समय आने पर ही मिलती हैं। जब तक वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तब तक अपने आप को गम में डुबा लेना, स्ट्रेस से भर जाना, अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचना, ये हमारे लिए सही नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे मनोबल को हिला कर रख देती हैं। परंतु जब हमारी आस्था अपने भगवान पर होती है, तो हम यह महसूस कर सकते हैं, सिचुएशंस कितनी भी गलत क्यों ना हो, एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा। और यही हमारे मन की ताकत है। मन की ताकत को हर परिस्थिति में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और ये स्पिरिचुअलिटी से भी आता है।
तो डेली जितना भी समय निकाल पाएं अपनी स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर दें, ताकि आपका मन शांत रह सके और सुप्रीम पावर में आपकी श्रद्धा रह सके, ताकि जब ज़रूरत हो तो आपका मनोबल बना रहे। आप सभी का इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी और कौन सी ऑडियो बुक आप सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर से कहना चाहूँगी, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा मोटिवेशन दोगुना हो जाता है। आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो लगता है अपने ही लोग सामने बैठकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट एंड लव। थैंक यू।